नमस्कार, मैं राज आपके अपने YouTube चैनल बिहार RSVP पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में फिजिक्स का एक चैप्टर है ध्वनि, जिसे साउंड कहते हैं, इसके बारे में 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पर। क्वेश्चन नंबर एक, ध्वनि तरंगों की प्राकृति डैश होती है। ऑप्शन नंबर एक अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी अप्रगामी, ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्ध्य और डी ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय है। तो इसका आंसर आप ज़रूर बताएं, ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्ध्य होगा। क्वेश्चन नंबर दो में है, प्रासरव तरंगे मनुष्य द्वारा डैश। ऑप्शन नंबर ए सुनी जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी कभी कभी, ऑप्शन नंबर सी नहीं सुनी जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रासरव तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर तीन, प्रासरव तरंगों की आवृत्ति डैश होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। और इसका सही आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चार में है, अश्रव तरंगों की आवृत्ति डैश होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से कम। क्वेश्चन नंबर पाँच में है, ध्वनि सबसे तेज यात्रा डैश में करती है। ऑप्शन नंबर ए पानी में, ऑप्शन नंबर बी वायु में, ऑप्शन नंबर सी स्टील में, ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। आप भी अपना क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टील में। क्वेश्चन नंबर छः में है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 220 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 232 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 110 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 330 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सात में है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ऑप्शन नंबर ए ठोस में, ऑप्शन नंबर बी वायु में, ऑप्शन नंबर सी द्रव में, ऑप्शन नंबर डी गैस में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में। क्वेश्चन नंबर आठ में है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डेसिमल में, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी फोन में, ऑप्शन नंबर डी देसी में। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर टाइप कर सकते हैं। और इसका सही आंसर होगा डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर नौ में है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या पर, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि पर, ऑप्शन नंबर सी मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी मुद्रा पर चलान। तो इस
का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि पर।